क्या आप चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए? अभी शायद मैं अभी आपका वो देख रही थी। बात यह है कि हर दो प्रश्नों के बाद यही प्रश्न उठता है, तो थोड़ा सा मैंने चिढ़ के बोल दिया कि भाई किसी और का चेहरा दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये बार बार ये क्या मुद्दा है कि चेहरा है कि नहीं है। मैं लड़ रही हूँ, मेरी पार्टी लड़ रही है, हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यूपी में कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उस वो आज की डेट में कांग्रेस के पास क्या वोट का कॉम्बिनेशन, अगर रियलिटी में जाए, पहले कांग्रेस के पास ब्राह्मण होते थे, दलित होते थे, मुस्लिम होते थे, आज ब्राह्मण कहते बीजेपी के साथ। जब मैं यूपी आई और खासतौर से 1.5 सालों के लिए जो हमने संघर्ष किया, तो बार बार ये बात कही जाती थी मुझको, और सिर्फ मतलब आप जैसे लोग जो पत्रकार हैं वो नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के भी कई लोग कहते थे कि हमारे साथ कौन है ये है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास बहन है, और मेरे ख्याल से अगर महिलाएं समझ लें कि 50% आबादी हैं, उनमें कितनी शक्ति है, अगर एकजुट होकर वो समझ लें इस शक्ति को, तो इस देश को बदल सकती हैं, मुझे कोई शक नहीं है। उनको नकारा जाता है, राजनीति में सीरियसली लिया नहीं जाता, लेकिन एकजुट हो, इकट्ठी खड़ी हो जाए, तो जो निर्णय महिलाएं लेंगी वही निर्णय सही है। 2017 के चुनाव में मोदी जी को, मतलब बीजेपी को, महिलाओं ने जमकर वोट दिया, उसके पहले भी दिया, पर 2017 के इलेक्शन में उसमें कहते हैं कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिला या जो भी सुविधाएं मोदी जी ने महिलाओं को दी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट। आप मुझे बताइए, आपको एक गैस सिलेंडर मिलने से आप सशक्त हो सकती हैं? आपका भविष्य बन सकता है? और उस गैस सिलेंडर को तो दे तो दिया, उसको बाद में उसके बाद जब खरीदना पड़ा और भरवाना पड़ा तब क्या हुआ? कोई महिला, मैं घर घर जाती हूँ, गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, खाली है, भर नहीं सकती है, इतना महंगा है, इतनी महंगाई है, महंगाई का बोझ कौन उठाता है? महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है, सबसे ज्यादा संघर्ष महिला करती है। हाँ, महिलाओं ने समर्थन दिया, आपने क्या किया महिलाओं के लिए? आपने सोचा कि एक गैस सिलेंडर दे दिया, एक टॉयलेट बना दिया, उससे आपका आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? कैसे हो गई पूरी? आज क्या पूरे देश भर में क्या नौजवान महिलाएं नहीं है तो अपना भविष्य बनाना चाहती हैं? उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं नहीं है? वो नहीं चाहती कि अनुराधा जी की तरह वो एक दिन सक्षम बने और ऐसे जर्नलिस्ट बने या कुछ और बने, कि वो घर पे बैठ के सिर्फ आपके गैस सिलेंडर से उनको खुश रहना चाहिए? तो ये एक नजरिया है अनुराधा जी, आप भी महिला हैं, अब समझिए, ये एक नजरिया है और एक विचारधारा है जिसमें महिला को कभी इक्वल नहीं समझा जा सकता, समता से नहीं देखते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है हमें वोट मिल रहा है, चलो एक आज गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, अगले दिन कुछ और कर लेंगे। मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को सशक्त करो, मैं कहीं कह रही हूँ कि उनकी शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान का लगवाओ, मैं कह रही हूँ उनको आगे बढ़ाओ, रोजगार दो ताकि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अच्छा, योगी जी आप लोगों पर जबरदस्त तरीके से हमला करते हैं, तो उनके हमले को, वो इतने हमलावर रहते हैं, योगी हो, मोदी हो, उतना आपको लगता है कि वो अखिलेश पर करते हैं? ये मुद्दे हम उठा रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, सड़क पे हम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे बारे में ऐसे कहेंगे, ज्यादा उनको उनको ये लगेगा कि हमारे बारे में उनको कहने की जरूरत है, उनको मालूम है कि कौन कर रहा है सबसे ज्यादा संघर्ष। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।